मणिपुर में, आप सोच के देखिए जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। मेरा ग्रंथ संविधान है जिसकी रचना बाबा साहब अंबेडकर और हमारे पूर्वजों ने की। आज वो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए। नंगा करके अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा, तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। की उस लड़की दे यही गना है भी वो ईसाई धर्म च पैदा हुई है, जो ईसाई धर्म नू मनदी है। साडा ईसाई धर्म नाल कोई लेना देना नहीं, पर औरत तो एक औरत ही है ना, माँ तो माँ ही है, भैन तो भैन ही रहू। जिमें 84 दे विच साडियां सिख मावां भैणां नाल इह कुछ होया, इहो जी दरिंदगी हुंदी रही है, वह दरिंदगी का नंगा नाच जिहड़ा मणिपुर दे विच नचिया गया है, की हिंदू राष्ट्र इहो जिहा होवेगा? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ, ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ